देख तो लीजिए आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया कि नहीं। जीन्स और टॉप, बहुत सुंदर है सांची। मैं ऐसे कपड़े पहनती तो नहीं हूँ, पर हाँ अपने पास हमेशा संभाल कर रखूंगी। आई एम ग्लैड यू लाइक दिस। चलिए चलिए अब मेरी बारी। एक बात बताइए मॉम, क्या इस रसम में भाभी मुझे कोई गिफ्ट दे सकती है? बेटा ये तब होता था जब लड़कियों की शादी बचपन में हो जाया करती थी, अब नहीं। आपको तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, राइट? अरे घड़ी के लिए मुंह क्या देख रहा है? अगर भाभी का चेहरा देखना है तो जेब खाली करनी होगी। हाँ मैं तैयार। मुझे तो आपसे नेक चाहिए बस, जैसे आपने सांची को दिया था मुझे भी चाहिए। आनंदी बेटा ये तो मानने वाला नहीं कि पहले तुम इसकी कान को खूब जोर से मरोगे फिर देख देना। हाँ अरे नहीं नहीं भाभी ठीक है मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। बस अपने जैसी एक अच्छी सी लड़की मेरे लिए भी ढूंढ दीजिए। माही भैया आप तो खुद ही अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेंगे, आपको मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं। काश जितना भरोसा आपको मुझ पर है मुझे भी खुद पर होता तो अभी तक मिल गई होती। थैंक यू सो मच भाभी, अब मुझे जरूर मिल जाएगी। अब मुंह दिखाए कि असम पूरी हुई, बहू अपना घूंघट उठा सकती है। क्या बोला तूने? कुछ तो नहीं दादू। तेरी भाभी तो बड़ी सुंदर है। प्लीज यार गिव मी अ ब्रेक, शी सो डाउन मार्केट, एकदम भैंजी टाइप। मैं कोई नेक मिला भाभी से या नहीं? हाँ मिला ना, सरगुथाई के टाइम पर ये दिया उन्होंने। अरे वाह तेरी भाभी की चॉइस तो बड़ी अच्छी है। रबिश इतनी ऑर्डिनरी सी रिंग में स्पेशल क्या दिख रहा है तुम्हें? दिस इज अ विंटेज पीस, तुम्हें नहीं पता मेरी सिस्टर का ज्वेलरी एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उनकी कैटलॉग में मैंने बिल्कुल ऐसी रिंग देखी थी, इनफैक्ट अब्रॉड में तो लोग इसे कलेक्टर्स आइटम मानते हैं। व्हाटएवर आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, मेरे भैया ने उनमें ऐसा क्या देख लिया कि दुनिया की सारी लड़कियों को रिजेक्ट करके इनसे शादी कर ली। लेकिन अब तो हो गई ना शादी, अब वो जैसी भी है हमें उनसे मिलवाओ तो सही, इतनी दूर से मुंह दिखाई के लिए जो आए हैं। या बाय नॉट जरूर मिलना चाहिए, इट विल बी सो मच फन। आनंदी जी ये मेरे बैचमेट्स हैं। राजीव नमस्ते भाभी जी।
चेतन। हाय। और आकाश। हेलो भाभी। हाय मस्ते भाभी। यहाँ के मोस्ट एलिजिबल बैचलर को आज आपने शादी के बंधन में बांध ही दिया। अब शिव के आजादी के दिन तो गए, क्यों? वैसे देखने में चुपचाप और सीधा साधा लगता है शिव, मगर है बड़ा छुपा उसका। वो कॉलेज वाला सीक्रेट बताऊं क्या? तुम्हें जो बताना है तुम बता सकते हो, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। और वैसे भी आनंदी जी मुझ पर इतना भरोसा तो करती हैं कि तुम लोगों की बातों पर यकीन नहीं करेंगी। अरे भाई अब बातें तो होती रहेंगी, अब खाना लग चुका है, जरा खाने की तरफ बढ़ा जाए। चलिए चलिए आइए आइए आइए। आनंदी बेटा तुम यही बैठो, हम लोग थोड़ा मेहमान को देख कर आते हैं। शी इज माय भाभी आनंदी फ्रॉम अ लिटिल अननोन विलेज कॉल्ड जैतसर। अब देखती हूँ ये गांव की गवार कैसे जवाब देती है, मेरे फ्रेंड्स को भी पता चलेगा। व्हाट अ बहनजी शी इज। वेल इट फील्स सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू हियर। एंड बाय द वे यू ऑल नो राइट, जैतसर इज नो मोर अ लिटिल विलेज, इट्स डिक्लेयर्ड एज अ जिला बाय द चीफ मिनिस्टर। Sanchi, your brother is the first collector of the villa. That's how I met him there. Did you guys eat anything? No. Sanchi, please make your friends comfortable. मीनू मैं अभी आई। तुम तो बेकार में अपनी भाभी की बुराई कर रही थी साची। आई थिंक शी इज क्वाइट कूल। हाँ यार डाउन मार्केट तो किसी एंगल से नहीं लगती, इनफैक्ट पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वो काफी इंटेलिजेंट भी लगती है। शी सीम्स क्वाइट अवेयर। लेकिन तुम लोगों को पता है वो एक डिवोर्सी है, बचपन में ही शादी हो गई थी उनकी, वो बालिका वधू थी। What? बालिका वधू और डिवोर्सी, लेकिन ऐसी लगती तो नहीं है वो। क्यों रे आनंदी, सच में बालिका वधू थी और उसका तलाक हो गया? कहीं तेरे भाई शिव में कोई कमी तो नहीं है ना, जो तेरे घर वाले इस ब्याह के लिए राजी हो गए? पर ना ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी माँ बाप अपने बेटे का ब्याह एक तलाकशुदा औरत के साथ करवाने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाए।